देश आज कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ का मना रहा जश्न। देश की सरहद की रक्षा करने के लिए देश भर में आयोजित कार्यक्रम के जरिए देश के वीर सपूतों को दी जा रही है श्रद्धांजलि। AKTU के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित, कहा जीवन के हर पहलू में तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए व्यापक परिवर्तन लाने की जरूरत। 28 जुलाई को होने वाली दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 65,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना का बयान, 5 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र का हुआ समापन, अनिश्चितकाल के लिए हुई स्थगित विधान परिषद में डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में फर्जी मार्कशीट मामले में कार्रवाई के दिए आदेश। नमस्कार, मैं दिलशाद और अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात कारगिल विजय दिवस की। भारत आज कारगिल विजय की 20वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। इस जंग में देश की सरहद की रक्षा के लिए बिना हिचक 500 से ज्यादा बहादुर जवानों ने हंसते हंसते अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। देश आज अपने वीरों को इस मसले पर नमन कर रहा है। देश भर में आयोजित कार्यक्रमों के जरिए देश के सपूतों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। यही है देश की परंपरा भी, जो हमेशा आदम्य साहस, वीरता और राष्ट्र के प्रति समर्पण को अमर रखता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया को मानने वाला भारत विश्व शांति और कल्याण की भावना के साथ रहता है। लेकिन साल 1999 में पड़ोसी पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की सीमाओं पर अपनी बुरी निगाहें जमाईं। उसकी सेनाओं ने दबे पांव नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी। द्रास सेक्टर की कई ऊंची रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेनाओं को जब इसकी भनक लगी, तब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध लड़ा गया और भारत ने शुरू किया ऑपरेशन विजय। एक एक चोटी पर से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया गया था। यह युद्ध दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में लड़ा जाने वाला युद्ध भी था। 15,000 फीट की ऊंचाई से ज्यादा वाले क्षेत्र पर भारतीय सेना ने अपने रण कौशल का जबरदस्त बखूबी परिचय दिया। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर श्रीनगर के बादामी बाग छावनी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। सेना के 15वें कोर मुख्यालय में युद्ध स्मारक में उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीदों को युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। भारतीय सेना ने द्रास में 1999 में पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए करीब 2 महीने तक युद्ध लड़ा था। विजय दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें शौर्य को नमन किया गया है। इसके साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी शहीदों के बलिदानों को याद किया। रक्षा मंत्री ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर दिल्ली स्थित युद्ध स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद यशो नाइक ने भी देश सेवा के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले वीरों के अतुल्य साहस और बलिदान को याद किया। वहीं रक्षा मंत्री ने लोकसभा में विजय दिवस पर बोलते हुए कहा कि हमारे सैनिकों का जो पराक्रम है, हमें उस पर पूरा भरोसा है और उस पर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारत के साथ दोबारा इस तरह का दुस्साहस करने की जुर्रत करेगा। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी शहादत दी है, यह देश कभी भी उन्हें भूल नहीं सकता है। अध्यक्ष महोदय, सदैव याद रखना। वैसे पाकिस्तान का जहां तक प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ लड़ाई
65 में भी हुई, 71 में भी हुई, 99 में भी हुई, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे देश के बहादुर जवानों ने जो करिश्माई काम इन युद्धों के दौरान किया है, उस आधार पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब हमारा पड़ोसी पाकिस्तान न तो भारत के साथ फुल फ्लेज्ड वार लड़ सकता है, न तो भारत के साथ लिमिटेड वार लड़ सकता है। ये लड़ता है वह तो केवल प्रॉक्सी वार लड़ता है, छद्म युद्ध भारत के साथ लड़ता है। हम सभी देशवासियों को अपने देश के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर पूरा यकीन है। क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस है, तो मैं उन सारे जवानों को जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए इस भारत को विजय दिलाई है, उनकी स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। 26 जुलाई 1999 को आज ही के दिन भारतीय सेनाओं ने कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सेना के कब्जे का मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनको कारगिल की पहाड़ियों से खदेड़कर उस पर पुनः तिरंगा झंडा फहरा दिया था। इसी कारण भारतीय सेना इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाती है। फतेहगढ़ में भारतीय सेना की 2 बटालियन राजपूत सेना व सिखलाई सेना के देश के सबसे बड़े ट्रेनिंग सेंटर हैं, जहाँ पर भी कारगिल विजय दिवस को पूरी श्रद्धा व जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दोनों सेनाओं के ब्रिगेडियर साहिबान ने अपने अपने परिसर में बने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र चढ़ाकर वीर गति को प्राप्त सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस की 20वीं एनिवर्सरी है, तो उसको आज देश के अंदर मनाया जा रहा है। जो हमने सन 1999 के अंदर विजय प्राप्त करी थी पाकिस्तान के ऊपर और अपनी जो सरजमीन है उसको पाकिस्तान की फौज से मुक्त कराया था, तो हम नमन करते हैं उन सब योद्धाओं को जिन्होंने इसके अंदर बहुत श्रेय हासिल किया, अपना खून दिया, अपनी बलिदान दिया। 1999 में जब ये कारगिल के उसमें पाकिस्तानी के कुछ घुसपैठी आए थे उनकी फौज के साथ में और कुछ जगह पे कब्जा किया था, तो 26 जुलाई को मानते हैं कि उनको वहाँ से निकाल के बाहर फेंका गया था। और इस जो हमारी भारतीय सेना की भारत की पाकिस्तान के ऊपर इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। गंगे नमामि गंगे, रमता जोगी तहता पानी, दोनों की यही कहानी। अविरल धारा होगी जब निर्मल गंगा होगी, तब अधिक जानकारी हेतु स्थानीय निकाय से संपर्क करें। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। छाया छाया, आज तुम्हारा छाया गोली खाने का दिन है। इस साप्ताहिक गोली छाया के साथ मुन्नी को भी भरपूर स्तनपान कराया। बिना हार्मोन वाली साप्ताहिक गोली छाया को अपनाइए, परिवार नियोजन में अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अधिक जानकारी के लिए अपनी नजदीकी आशा से संपर्क करें। NHM और सिप्सा द्वारा जनहित में जारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन परिसर में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कई गणमान्य संसदीय सदस्य मौजूद थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वृक्षारोपण पेड़ लगाकर इस भारत को हरित भारत बनाने का एक संकल्प देश की जनता को दिया है और मुझे आशा है कि संपूर्ण देश के अंदर हर गांव हर ढाणी के अंदर हम हर गांव को भी हरा भरा करेंगे, शहर को भी हरा भरा करेंगे।
बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार 2.0 के 50 दिनों का लेखा जोखा पेश किया। सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि अगले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 125,000 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा, गांवों को बाजारों से जोड़ने पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला फैसला है। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ने किसानों के हितों में कई ऐसे फैसले किए हैं जिसका दूरगामी असर होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत का 1.5 गुना होगा खरीफ पर, उसका फैसला, और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम होगा फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिड्यूस द इनपुट कॉस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड टू इंक्रीज द आउटपुट एंड ऑल्सो द प्राइसेस, इसको उसमें जोड़ा जाएगा। तो FPOs इसमें इंटरवीन करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वुमेन एम्पावरमेंट, every member of the self-help group will get an oath for 500 rupees, and at the same time one member of every self-help group will get an overdraft or get a loan of 1 lakh rupees. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्था में यदि कुशल लोग शुरू से ही मौजूद हैं तो वो आगे बढ़ेगी और समय के साथ साथ पुष्पित पल्लवित होगी। आज तकनीक का समय है, अब सभी लोगों को एक साथ सुविधाएं उपलब्ध कराना संभव हो सका है। समय के साथ साथ तकनीक एडवांस होने लगी है, ये लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाते हुए खुशहाली ला सकती है। उन्होंने कहा कि हमें जीवन के हर पहलू में तकनीक का इस्तेमाल करते हुए व्यापक परिवर्तन लाना होगा। मुख्यमंत्री ने यह विचार आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश AKTU के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आज का दिन कई तरह से महत्वपूर्ण है, आज विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस तो है ही, साथ ही आज कारगिल विजय दिवस भी है। उन्होंने कारगिल के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को नमन करते हुए कहा कि उनके बलिदान को हमें भूलना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री कहा कि इस प्राविधिक विश्वविद्यालय की नींव बहुत मजबूत से रखी गई है, इसलिए इसके परिणाम भविष्य में अच्छे होंगे। देश के अंदर नक्सलवाद कम ज्यादा अलग अलग समय में होता रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश आज के दिन पर इस प्रकार की विभूतियों के कार्यों के कारण, उनकी सेवा के प्रकल्पों के कारण और शासन के द्वारा की गई पहल के कारण आज नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त है। ये नक्सलवाद मुक्त करना ये केवल सरकार ही इस कार्य को कर सकती है ऐसा नहीं है, समाज का भी कुछ दायित्व है, और समाज के उस दायित्व का निर्वहन किया है प्रोफेसर DS चौहान जैसे लोगों ने, अपना समय देकर के, अपना श्रम देकर के, अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को उनके बीच में देकर के, एक भावनात्मक रिश्ता उन लोगों के बीच में जो स्थापित किया, उन भावनात्मक रिश्तों का परिणाम हमारे सामने इस रूप में सामने आता है कि विश्वविद्यालय की जो एक बेहतर नींव रखी गई, उस बेहतर नींव का परिणाम उत्तर प्रदेश का एक तकनीकी क्षेत्र का विश्वविद्यालय APJ अब्दुल कलाम के नाम पर हम सबके सामने है। प्रोफेसर प्रेमव्रत जी IIT रुड़की से इस विश्वविद्यालय को मिले और विश्वविद्यालय को उन्होंने जिस नियों को प्रोफेसर DS चौहान जी ने यहां पर रखा था, उसी नियों को आगे बढ़ाते हुए एक नई गति दी, विश्वविद्यालय आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 28 जुलाई को होने वाली दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा है कि इस बार 65,000 करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, इससे लगभग 5 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में एक वर्ष के अंतर्गत दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग का करेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब भूमि पूजन, शिलान्यास, जो इंडस्ट्रीज विगत एक वर्षों में जिन लोगों की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हुई हैं, जिन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि वो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, ऐसी लगभग 250 से अधिक इंडस्ट्रीज, लगभग 65,000 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में 28 तारीख को शुरुआत आदरणीय गृह मंत्री जी करेंगे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये निर्देश दिए हुए हैं और उनका संकल्प है कि हम जीरो टॉलरेंस अपराध के प्रति रखेंगे। किसी भी प्रकार की कोई आदमी परेशान करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
जब इंडस्ट्रीज को संरक्षण मिलता है, सुरक्षा मिलती है, संसाधन मिलते हैं, सहयोग मिलता है, तब इंडस्ट्रीज किसी स्टेट में जाना चाहता है, और ये सारी चीज़ें आज हम इंडस्ट्रीज को मुहैया कराने के लिए तैयार हैं। इंडस्ट्री और सरकार एक दूसरे के पूरक के रूप में चलते हैं। मुझे लगता है कि जो इस सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग में जो इंडस्ट्रीज आनी है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार इसमें मिलेगा। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। अरे आशा बहन, बस देखने आई हूँ कि घर में किसी बच्चे को बुखार तो नहीं आ रहा। छुटकी को हल्का सा बुखार आ रहा है, मौसम बदल रहा है ना। अरे फिर तो इसे लेकर तुरंत ब्लॉक या जिले के सरकारी अस्पताल जाओ। क्यों, बुखार शुरू ही तो हुआ। अरे नहीं दीदी, कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है। ये बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज कर सकता है, और दिमागी बुखार में देर जानलेवा होता है। अरे बाप रे, मैं छुटकी को अभी लेके जाती। विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन पूरी कार्यवाही पीठासीन कार्यवाही अध्यक्ष सुखदेव राजभर की देख हुई। 18 जुलाई से शुरू हुई सदन की कार्यवाही राष्ट्रगान के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। विधानसभा में आज श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि भूमिहीनों को पट्टे देने के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जो पुरानी सरकारों ने नहीं किया वो अब किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि खेतिहर मजदूरों के साथ ही समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति के लिए सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही प्रश्नकाल में परिवहन व्यवस्था में ड्राइवरों की ड्यूटी, ऊर्जा विभाग से संबंधित प्रश्नों को उठाया गया। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में अब तक, चूंकि अभी हाल में शुरुआत हुआ, उसके बाद चुनाव आचार संहिता लग गया, लेकिन उसके बावजूद अब तक लगभग 5.5 लाख लोग उसकी सहायता ले लिए। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी जैसे ही मॉड्यूल भारत सरकार द्वारा प्राप्त हो जाएगा, असंगठित कर्मकार के हितों के लिए जो यहां पर असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड बना हुआ है, वह उनके लिए जो प्रदत्त योजनाएं हैं प्रदान की जाएंगी। इसलिए मानवर, ये हमारी सरकार की चिंता है, देश की आजादी के इतने लंबे अंतराल के बाद इस देश में खेतिहर मजदूरों के लिए यदि किसी सरकार ने पहली बार उनके हितों के लिए चिंता की, उनको पेंशन देने की व्यवस्था की, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बना करके उनको विकास की मुख्यधारा में खड़ा करने का प्रयास किया, तो माननीय मोदी जी की सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार है, जो विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लैस करके आज समाज के उस अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी विकास की मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रहा है। 542 उपकेंद्र है जिनको नया खोला गया है। मानवर 1012 है जिनकी क्षमता वृद्धि की गई है। मानवर जो प्रस्तावित हैं वो 110 है और 176 क्षमता वृद्धि वाले हैं। विधानसभा की कार्यवाही में आज प्रश्नकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शिक्षिकाओं कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आहार्ता तथा उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु विनियम 2018 के विनियमों को शासनादेश 28 जून 2019 द्वारा उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के शिक्षकों के संदर्भ में लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में फर्जी मार्कशीटें बनाने का प्रकरण सरकार के संज्ञान में आया है और उस पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं ना हों, इसके लिए सिक्योरिटी फीचर युक्त मार्कशीट का निर्माण अब किया जा रहा है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।